खबर मधेपुरा जिले से है। इश्क का धागा हर बार प्रेमी आपस में नहीं बांध पाते हैं। जब प्यार सच्चा हो तो मिलते भी जरूर है और आपस में ये धागे बांधे भी जाते हैं, लेकिन जब कभी इसमें बेईमानी और जिद आ जाती है तो मोहब्बत बर्बाद हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है मधेपुरा में, जहाँ एक युवक को एक युवती से प्रेम हो गया। दोनों खुश भी थे और सात समुद्र पार घर बसाने की कस्में भी खा लिए थे, लेकिन इस बीच जब लड़की के पिता का एंट्री हुआ तो इस प्रेम कहानी का बड़ा ही दर्दनाक अंत हुआ। दो परिवार आज उजड़ गए हैं। लड़का दुनिया छोड़ चुका है और लड़की सहित उसकी मां सलाखों के पीछे है। लड़की के खानदान को पुलिस ढूंढ रही है और जेल भेजने की तैयारी में है। क्या चौकीदार क्या थानेदार, जिले के SP ने कहा है कि जो भी अपराधी इस कांड में शामिल है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। दरअसल बीते 4 मार्च को मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुद्धदेव राय के पुत्र ऋकेश कुमार का अपहरण आलमनगर के ही कुंजोड़ी से अपराधियों ने कर लिया था। अगले दिन इसी गांव के समीप एक लावारिस बाइक पुलिस को मिली। बाइक बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी कर दिया। इस अपहरण कांड के उद्भेदन हेतु उदा किशुनगंज अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी। 6 मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि आलमनगर के ही फुलौत पश्चिमी अंतर्गत जमेल चौर मकई बहियार में एक अज्ञात शव बरामद किया गया है। बाद में शव का पहचान किया गया, जिसमें पता चला कि उक्त लाश अपहृत ऋकेश कुमार का है। जब पुलिस के हाथ खाली थे, इस कांड को कौन अंजाम दिया, कब घटना घटित हुआ, कौन ऋकेश को मौत की नींद सुलाया, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस के पसीने छूट रहे थे। बाद में पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान जारी किया, जिसमें पता चला कि ऋकेश एक नंबर पर अधिक बात किया है। जब उक्त नंबर का पड़ताल किया गया तो फिर सारे भेद खुलते चले गए। वह नंबर भी आलमनगर थाना क्षेत्र के ही एक युवती का था, जिससे ऋकेश का प्रेम था। उक्त युवती ने बताया कि कुछ माह पूर्व मैट्रिक परीक्षा के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और बाद में प्यार परवान चढ़ गया। मोबाइल पर बातचीत होने लगी और धीरे धीरे प्रेम में दोनों घुल गए। इसी बीच इस बात की जानकारी युवती के पिता को चल गया। यहां से इस प्रेम में अलगाव का खेल शुरू हुआ। लड़की के पिता ने युवती को इससे मुक्त होने को कहा और लड़की को भी ये सब छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन प्यार जो लड़के के अंदर पनप गई थी अभी परवान पर चढ़ा ही था, उसने बात नहीं मानी। यूं ही लगातार दोनों बात करते रहे। इसी बीच लड़के इस प्यार से निकलना भी चाहिए तो लड़के ने उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो रख लिए। अब लड़का उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। लड़की अब मजबूर हो चुकी थी, अब वो अपने घर पर सब कुछ बता चुकी थी। लड़की के खानदान में आग सा लग चुका था। परिवार के लोगों ने उसको मारने का प्लान बना लिया। 4 मार्च को एक शादी में ऋकेश जाने वाला था। इस बात की जानकारी लड़की के पिता को थी, उसी अनुरूप प्रोग्राम तय हुआ। लड़की ने लड़का को फोन कर बुलवाया और बड़े ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार लाश को मक्के की खेत में फेंक दिया। पुलिस ने अब इस मामले में लड़की के माँ और जीजा सनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में लड़की के 3 चचेरे भाई भी नामित हैं, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। SP ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले का उद्भेदन किया और कहा कि चूंकि मामला बिल्कुल पेचीदा था, लेकिन पुलिस टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान के सहारे मामले का उद्भेदन किया है, तो SP राजेश कुमार ने इस टीम को पुरस्कृत करने की बात कही है। BNP न्यूज के लिए मधेपुरा से संवाददाता सदाम हुसैन की रिपोर्ट। दिनांक 5/3/12 को एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में गनौर चौक के पास में सड़क के किनारे गिरा हुआ मिला। थाना अध्यक्ष आलमनगर को सूचना प्राप्त हुई तो ये गए और वहाँ से मोटरसाइकिल को बरामद किए, लेकर के थाने पर आए, परंतु किसका मोटरसाइकिल था इस बात की कोई जानकारी इन्हें नहीं हुई। तो काफ़ी प्रयास किए पता करने का, जानकारी नहीं मिल पाया। 6 तारीख को
कुछ लोग थाने पे आए और बताने लगे कि उनका लड़का रिकेश कुमार पिछले 4 तारीख की रात से गायब। इस सूचना पे थानाध्यक्ष अपने हरकत में आया और फिर उनके द्वारा मोटरसाइकिल दिखाया गया तो बताया गया कि ये मोटरसाइकिल उसी लड़के का है। तब इन्हें संदेह हुआ कि उसके साथ में कुछ घटना दुर्घटना हो गई है। ये अपने दलबल के साथ में स्थानीय लोगों के सहयोग से आस पास में खोजबीन करना शुरू की तो 6 तारीख को उस लड़के की डेड बॉडी मिली, जो कि मोटरसाइकिल जहाँ पर गिरा हुआ था उससे लगभग 1.5 किलोमीटर एक बहियार में मकई का खेत में जो जमे चौर उसको बोला जाता है वहाँ से बरामद हुआ। और काफ़ी उसके शरीर पे जख्म थे, इंजुरी थी, पीट पीट करके उसकी हत्या की गई प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। उसके शव की बरामदगी के बाद अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आया कि उस मृतक का किसी लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग था और उसके यहाँ बराबर आया जाया करता था वो, और इसी दौरान कुछ आपत्तिजनक उसने कुछ फोटो भी बना रखा था। इस बात की जानकारी उस बच्ची के द्वारा अपने घर वालों को दी गई तो उनके घर वाले भी जा करके लड़की के घर वाले उस लड़के के घर पे जा करके उसको समझाए, बोले कि इस तरह का मत करो, जो फोटो वगैरह और दे दो। 2 बार जा करके समझाया गया और बोला गया लड़की से संबंध अपना ख़त्म कर लो, लेकिन लड़का फिर भी नहीं माना। और 4 तारीख की रात वो एक शादी में गया हुआ था जगदीशपुर गांव में, वहीं से इन लोगों को जानकारी थी कि आज वो शादी में आने वाला है, तो वहीं पे लड़की से फ़ोन करवा करके उस लड़के को इनके लड़की के घर पे बुलाया गया, जहाँ पे सभी लोग तैयारी हालत में थे। जैसे ही लड़का आया उसको पकड़ करके और उसके साथ वहीं मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई, और बाद में डाइवर्ट करने के लिए उसकी मोटरसाइकिल शव को फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर और आगे ले जा करके बहियार में उसको डाल दिया गया। इस कांड का जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो इसमें तकनीकी सहायता वैज्ञानिक अनुसंधान का भी सहारा लिया गया, इसमें संलिप्त लोगों की पहचान की गई और पहचान के उपरांत इसमें लड़की लोग उसके माँ रेणु देवी और उसका एक बहनोई है जो कि भागलपुर का रहने वाला है सरोज कुमार, उनकी भी उपस्थिति उस दिन घटनास्थल पर पाई गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद में सारी कहानी खुल गई है। इसमें 4 लोग और संलिप्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम काम कर रही है।